खबर नंबर 1 दरदाम पृथ्वी प्रतिपात्र आंदोलन करिप पिजेडी ग्यास दर पृथ्वी प्रतिपात्र रास्ता को ओह्लैब पिजेडी सांबादिक सम्मेलन कर दल दर पृथ्वी को समालोचना करिछे। बीजेपी सरकार उपर पर्सिछि पिजेडी 70% दर केबे पृथ्वी होइनथिला एवं 3% दर आकाश छुआ होइथिबा पिजेडी कहिछे। केन्द्र सरकार कहुथिबा अच्छेतन दुर्दिनरे परिणत होइछे। ओडिसार मा भौणी यहार प्रतिवाद करिबे बोली बीजेडी उपसभापति प्रमिला मल्लिक सांबादिक सम्मेलन में सूचना देइछन्ति। विजु जनता दल तीनोटी शाखा विक्षोभ करिबे। नवंबर 22 तारीख में कटक आरटीसी कार्यालय सामने विक्षोभ, 23 तारीख में संबलपुर आरटीसी कार्यालय और 24 तारीख में ब्रह्मपुर आरटीसी कार्यालय दल पक्ष विक्षोभ करा बीजेडी विधायक प्रणव बलवंतराय। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अनुसाई उज्ज्वला योजना पर गैस सिलिंडर व्यवहार कम हो गैस रिफिलिंग हार कमी सीएचसी रिपोर्ट स्पष्ट होठ में रोसई करने को केन्द्र सरकार बाध्य कर दल अभियोग करते। बीजेडी छामुआ शाखा यार विरोध कर विधायक ब्योमकेश राय सूचना देते। खबर नंबर 2 पुराणा कथा दोहरैले दिव्या शंकर कहले मु सनसाइन स्कूल जाइनी। सनसाइन स्कूल शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या मामलें छंदी हो पड़ता गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्या शंकर मिश्र आज पुराणा कथा दोहरैछन्ति। हत्यार तांकर कौनसी संप्रक्ति नथिबा कहिछन्ति दिव्या शंकर। मो द्वारा कौनसी बेन कार्य हेबनी कहिछन्ति दिव्या शंकर। से कहिछन्ति मु भारतीय वायुसेना रचना पायलट देश पई लड़िछे। मो द्वारा कौनसी घृण्य और बेन काम होई परिपने। घटना घटिछे सनसाइन पब्लिक स्कूल रे सेठाक मो केबे जाइनी। स्थानीय विधायक भाबे मो महालिंग कॉलेज गवर्नी पटीर सभापति रहिछे। सनसाइन स्कूल मालिक उक्त कफरनी पटीर जन सदस्य यहाँ चढ़ी राजनैतिक षड्यंत्र अति दुर्भाग्यजनक। मु निर्दोष मत दंड देवा चली प्रयास सफल होबनी। ममिता हत्या जघन्य कांड जे भी दोषी से दंडित होब। तेब प्रश्न उठू महाली चुक्तनी कलेज क्यांपस परिसर में रही सनसाइन पब्लिक स्कूल। प्रथम दुई महलार चुक्तनी कलेज चली तृतीय महलार चली सनसाइन पब्लिक स्कूल। जदि मंत्री महाशय महाली कलेज प्रत्येक कार्यक्रम में जोग देवा जाते हैं सनसाइन स्कूल को जा ना हास्यास्पद कथा। खबर नंबर 3 नवंबर 30 सुधा ई सर्विस बुक अपडेट करने को मुख्य शासन सचिव को निर्देश। मानव संबल परिचालन 5G नीति प्रयोग एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप भावे चलित नवंबर मास 30 तारीख सुधा समस्त सरकारी कर्मचारी ई सर्विस बुक सचेतनकरण शेष करने को मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र समस्त विभाग और जिलापा निर्देश देते। राज्य लोकसभा भवन डिजिटल मोड में अनुष्ठित एक समीक्षा बैठक में कार्यर अग्रगति विषय अनुधान कर सही निर्देश देते। मुख्य शासन सचिव श्री महापात्र कहते जे ई सर्विस बुक सरकारी कर्मचारी उत्तम परिचालन बहुभाव सहायक होगा सह अवसर ने कर्मचारी पेंशन संबंधित देय प्रदान को अधिक स्वच्छ और त्वरान्वित कर यह उभय कर्मचारी एवं सरकारी व्यवस्था को अधिक क्रियाशील एवं वृत्तिगत कर। नवंबर 30 तारीख सुधा समस्त विभाग प्रमुख शासन सचिव विभाग मुख्य एवं जिलापा निज निज विभाग कर्मचारी ई सर्विस बुक कार्यर सत्यता निश्चित कराइप मुख्य शासन सचिव निर्देश देते। खबर नंबर 4 कड़ा सुरक्षा बल भितर भी राष्ट्रपति भवन भितर पशिला कार सुरक्षा व्यवस्था को नहीं उठिला प्रश्न। राष्ट्रपति भवन में ठेला हला कि सुरक्षा व्यवस्था सोमवार रात घटी घटना एभली भाव को बाध्य कर दिल्लीर अन्यतम सुरक्षित अंचल भाव में जनाशुना राष्ट्रपति भवन में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था थी दुईज युवक युवती भितरक पशिजा घटना एवं समस्त को आश्चर्य कर सूचना मुताबक सोमवार रात एक कार्टी राष्ट्रपति भवन गेट नंबर 35 प्रवेश करोटी ब्यारिकेड अतिक्रम करने भितरक प्रवेश कर सुरक्षाकर्मी थी एभली एक अजणा गाड़ी भितरक चली अनेक प्रश्न छिड़ा कर सोमवार रात प्राय 9 बेले यह घटना घटी कहुचे। तेब कार्टी भितरक जाता देखी सुरक्षाकर्मी कार को अटकवासह दुहे को एवं पचराउचरा कर दुहं हेफाजत को नि पुलिस कोर्टे हाजर करने से जेल को पठाई दि जाए। घटना घटा समय उभय निशासक्त अवस्था थे जमापड़े। खबर नंबर 5 आहरी घनीभूत है बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप तमिलनाडु आड़ को मुहाइछे। गतकाली बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप आज एक चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो दक्षिण पश्चिम दिगरे गति उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्रप्रदेश निकटवर्ती आज सका सुधा ही लघुचाप स्थलभाग छुईबार संभावना रही है। तेब यह बात्या रूप नेबार संभावना नहीं बोली आईएमटी कहे। तथापि यार प्रभाव में तमिलनाडु आंध्रप्रदेश रायलसीमा और केरल में आसंता दुई दिन पर्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना रही है भारतीय पाणिपाग विभाग कहे। तेब 20 तारीख बेलू यह क्रमशः दुर्बल होगासह वर्षा परिमाण कमिप लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रखाक मत्स्यजीवी मान समुद्र मध्य को नजर को सतर्क कर प्रबल वर्षा जो तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में बना हेबार संभावना रही स्कायमेट कहे।
खबर नंबर 6 ओडिशा क्याडर आईपीएस अधिकारी खरश्यामा उपाध्याय समेत तीन जन सीपीआई नूतन जुग्म निर्देशक पदवी में मिलला निजुक्ति। केन्द्र तदंत ब्यूरो अर्थात सीपीआई तीन जन नूतन जुग्म निर्देशक पदवी में केन्द्र सरकार आज तीन जन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी निजुक्ति प्रदान करते। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विद्याचंद कुलकर्णी घरश्यामा उपाध्याय और नवल बजाज को बुधवार केन्द्र तदंत ब्यूरो अर्थात सीपीआई जुग्म निर्देशक भाव में निजुक्त करमचारी मंत्रालय एक निर्देश में कहुई। तमिलनाडु क्याटर 1998 ब्याच आईपीएस अधिकारी कुलकर्णी को डेपुटेशन आधार में 5 वर्ष निजुक्त करहाई। से हीपरी 1999 ब्याचर ओडिशा क्याडर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी खनश्यामा उपाध्याय पदवी में कार्यकाल June 29, 2026 पर्यंत रखी निर्देश में कहुई। 1995 ब्याचर आसीता और महाराष्ट्र क्याडर रही नवल प्रशासक कार्यकाल June 6, 2026 पर्यंत होबा। खबर नंबर 7 ओडिशा समेत 5 राज्यर 7000 अधिक ग्राम से 4G मोबाइल सेवा जोगाइब केन्द्र। ओडिशा समेत आंध्रप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और महाराष्ट्र प्रभृति 5 राज्यर 7000 अधिक ग्राम से 4G मोबाइल सेवा जोगाइबा केन्द्र सरकार निष्पत्ति बुधवार केन्द्र युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर कहते। योजन 6466 कोटी टंका खर्च हो मंत्री श्री ठाकुर सूचना देते। एने केन्द्र कैबिनेटर निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना दे मंत्री श्री ठाकुर कहते। आंध्रप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड महाराष्ट्र और ओडिशार 44 जिलार 7000 अधिक ग्राम से मोबाइल टावर संयोग जोगाई दिजा सह 4G मोबाइल सेवा जोगाइबा निष्पत्ति। यह प्रकल्प बाबद 6466 कोटी टंका खर्च हो अटकल कर मंत्री आखिरी कहते। जे प्रकल्प द्वारा लोक मैंने इ गवर्णन्सर लाभ को उपयोग कर सक्षम होते। खबर नंबर 8 भारत कोरोना टीका कोवैक्सीन को अनुमति देला न्यूजीलैंड 96 देश अनुमति दे। भारत स्वदेशी कोरोना टीका कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुमति देवापर अन्य देश मैंने टीका को अनुमति दे चली। निकटने न्यूजीलैंड सरकार टीका को अनुमतिप्राप्त टीका तालिकार सामिल करते। छड़ा सेरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित कोविशील्ड टीका को भी न्यूजीलैंड सरकार अनुमति देते। न्यूजीलैंड सरकार मोट 8 कोरोना टीका को अनुमति देते। ए संपर्क में ट्वीट कर सूचना देते न्यूजीलैंड में उपस्थापित भारतीय उच्चायुक्त मुक्तेश परदेशी। तबे से आहुरी कहते टीका को अनुमति देवापर न्यूजीलैंड सरकार भारत पर लागू यात्री कटकणा को खूब शीघ्र हटाई ने से आशा प्रकाश कर। खबर नंबर 9 सेना को बड़ सफलता कुलगाम निकट टीआरएफ कमांडर समेत 5 आतंकी मृत। जम्मू काश्मीर सेना तरफ आतंकवादी दमन कार्य जारी रही है। एपीपी मिलता सूचना मुताबक सेनाकुली द रेजिस्टेंस फोर्स अर्थात टीआरएफ कमांडर अफाक सिकंदर समेत 5 जन आतंकवादी निहत होते। सूचना मुताबक सुरक्षा बल एक गुप्त सूचना आधार में कुलगाम पंपे और गोपालपुर ऑपरेशन आरंभ करते। ऑपरेशन बेले पंपे 3 जन और गोपालपुर 2 जन आतंकवादी को निपात कर सेना सूचना पाइबा पर पूरा अंचल को घेराव कर। इस समय आतंकवादी पलिजा को चेष्टा करुवा बेले सेनाकुली प्राण हर यहपर सेना तरफ पूरा अंचल को सिल कर दिजाई और ट्राफिक को सजग कर व्यतीत कुलगाम गोपालपुर अंचल सेना और आतंकवादी मध्य गुड़ विनिमय जारी रही है। सेठे कि आतंकवादी लुचिता नहीं सेना आशंका कर। खबर नंबर 10 को जवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी शेष पर्यंत देखु कारण भिडियोर शेष रही है आजर राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियोटी लाइक कर दिंतु कारण आपण गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनैवाई प्रोत्साहित करें। साथ ही आपड़ क्यों क्यों जिलूर भिडियोटी देखुंत कमेंट बक्स में निश्चय लिखतु। खबर नंबर 10 कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय करोन संक्रमित। कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय करोन संक्रमित प्रथम थरपाई करोन संक्रमित होती जटणी विधायक पखापाखि 2 वर्ष हेब करोना व्यापुवा बेले एवं शिकार होती से उभय स्वामी और स्त्री करोन संक्रमित होता सूचना मिले। मिलता सूचना मुताबक किसी दिन पूर्वे सुरेशों पत्नी करोन संक्रमित होते एक घर हस्पिटाल से चिकित्सित होती। तेज आज सुरेश राउतरायर करोना रिपोर्ट पजिट आसी करोना रिपोर्ट आसपापर से निजक घर संगरोधर रखिंट सुरेशों स्वास्थ्यावस्था भल या सूचना मिली। तेज यही किसी दिन मध्य संस्पर्श से जो मैंने आसर परीक्षा कराई नि। खबर नंबर 11 आज रात 11 जाए खोला रीमंदिर कार्तिक पूर्णिम दर्शन बंद। श्रीमंदिर भिड़ को नजर रखि दर्शन व्यवस्था परिवर्तन करा सकाल 7 रात 11 पर्यंत दर्शन व्यवस्था करा कर
आज सकाळ 7:00 राति 11:00 पर्यंत खोला रहिबो श्रीमंदिर। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार अध्यक्षतार बसिथिबा भर्चुअल बैठक में एपरि निष्पत्ति नियाजाइछे। तबे 19 तारीख कार्तिक पूर्णिमा दिन बंद रहिबो श्रीमंदिर, भक्त मैंने श्रीमंदिर भितर को जाइपारिबे नाही। भिड़ को लक्ष्य रखी एभली निष्पत्ति करा जाइछि बोली श्रीमंदिर प्रशासन कहिछन्ति। आजर बैठक में जिलापाल, नीति प्रशासक, उन्नयन प्रशासक और परिचालना कमिटी सदस्य प्रमुख उपस्थित रही थे। सूचनार प्रकाश, कार्तिक पूर्णिमा रे श्रीक्षेत्र प्रबल भिड़ पर श्रद्धालु मैंने डंका फसई सकाल सकाल महाप्रभु दर्शन करने को आसी जो श्रीमंदिर भिड़ पर भिड़ हेल्ले कोविड बढ़िबार संभावना रही है। से श्रीमंदिर प्रशासन एपरी निष्पत्ति जमापड़े। खबर नंबर 12, पुणी जंगल भितर अटकला टॉय ट्रेन, 22 पर्यटक हटहटा। पुणी अधारे अटकला नंदनकानन टॉय ट्रेन, चलुवा बेले अधापटे जंगल भितर अचल हो पड़ता जो कारण से 22 जन पर्यटक हटहटा होते जहाँपर समस्त पर्यटक को बैटेरी चालित गाड़ी में उद्धार कर पाखापाखि मस धरी बंद रही टॉय ट्रेन मंगलवार ठीक पुणि थे आरंभ होता। यह टॉय ट्रेन दैनिक 6 चलने करतृपक्ष व्यवस्था करते कि शेष ट्रिप बेले जांत्रिक त्रुटि अधारे अटकी जाता टॉय ट्रेन। यह पूर्व गत अक्टोबर 2 सप्ताह नंदनकानन प्राणी उद्यान में टॉय ट्रेन शुभारंभ होता। तबे 15 तारीख में नंदनकानन प्राणी उद्यान में टॉय ट्रेन गड़ुवा बेले अघटन घटी इंजन रे शॉर्ट सर्किट जो निलाखी अचल होगा ट्रेन। तबे सौभाग्यवशत ट्रेन चालक ब्रेक मारिपर जात्री मैंने तुरंत गाड़ी ओह्ल पड़ते जो कारण बड़ घटन 60 अधिक जात्री अल्पके पड़ती जाते। खबर नंबर 13, बीजेपी नेत्री कार चलते दुर्वृत्त। जड़े बीजेपी नेत्री कार को दुर्वृत्त चली अभोग हो जिला बीजेपी कोषाध्यक्ष मीनती पारिकों गाड़ी पर पेट्रोल बोमा पक दुर्वृत्त चली थाना अभोग कर भुवनेश्वर स्थित नयापल्ली ब्रिड कलोनी खराक यह घटना घटी। पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर सीसीटीवी फुटेज जांच तनाखना करुच्छे पुलिस। गतकाली विलंबित रात में बोमामाड़ हो बीजेपी नेत्री गाड़ी पर किए बोमामाड़ कला से नहीं किसी स्पष्ट हो पारे ना। बीजेपी नेत्री घर सामने सरकारी जगह रही है से जगह को केन्द्रकोरी बोमामाड़ हो पारे सन्देह कर मीनती पारिकों स्वामी कहते आमर का शत्रुता ना गतकाली विलंबित रात में बोमामाड़ होमें थाना अभियोग कर पुलिस घटनास्थल किसी अफुटा बोमा जबत कर पुलिस घटनार तदंत कर। खबर नंबर 14, परमवीर सिंह पलातक घोषित। पलातक घोषित हेले मुंबईर पूर्वतन पुलिस कमिशनर परमवीर सिंह तक समेत आउ दुई जन को मुंबई एस्प्लेनेड कोर्ट पलातक अपराधी बोली घोषणा कर। परमवीर विरोध में पटियाता मामला को नहीं एभली घोषणा होई। सरकारी वकील शेखर जगताप कहते जे मुंबईर एस्प्लेनेड कोर्ट पूर्वतन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पलातक अपराधी बोली घोषणा करने को नहीं मुंबई पुलिस आवेदन को ग्रहण कर। बारंबार समन सत्वे भी परमवीर थाना हाजर होदी आसंता 30 दिन भितर तक कौन पता न मिले तेज मुंबई पुलिस संपत्ति जबत करने प्रक्रिया आरंभ कर। कोर्ट को पलातक घोषणा निष्पत्ति पर परमवीर को खोजार क्राइमब्रांच को सहायता मिल सरकारी वकील कहते। खबर नंबर 15, मृत्यु दंडादेश विरोध में अपील करें कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान संसद में बिल गृहित। पाकिस्तान जेल में पंती भारत अवसरप्राप्त नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अपील करार अधिकार देवाक पाकिस्तान संसद में एक बिल गृहित। पाकिस्तान संसद व न्यासनाल आसेम्बली मिलित अधिवेशन में बिल गृहित फल जाधव निजर मृत्यु दंडादेश विरोध में अपील करें। अंतर्जात न्यायालय राय अनुसार कुलभूषण को अपील करार अधिकार देवाक गत जून मसने पाकिस्तान न्यासनाल आसेम्बली बिल आगत होता। 2019 अंतर्जात न्यायालय देते जे पाकिस्तान निजर रायर पुनर्विचार करू और जाधव को कनसुलर एक्सेस अर्थात भारतीय कनसुलेट अधिकारी भेटाक अनुमति प्रदान करू। राय को भित्तिक इमरान खान सरकार 2020 में पाकिस्तान न्यासनाल आसेम्बली अर्थात संसद एक अर्डिनान्स आगत करते तेज यह पाकिस्तान विरोधी दल मैंने प्रबल विरोध करते। आज नवंबर मास 18 तारीख गुरुवार एपेम जाणीपा पारटी राशि संपूर्ण राशिफल। मेष राशि आज कर्म क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र सौहार्द्यपूर्ण रखिब सरस सुंदर करिपारे सहायक हेब। बंधु आसपे मात्र फेर बेले बहुत अनुरोधपूर्ण कथा कही विदा ने शारीरिक क्लांति और अवसाद देखा दे पारे। व्यवसाय परिवहन निर्माण प्रशासन आईन क्षेत्र में समस्या समाधान हो। वृष राशि अधिकांश समय स्वास्थ्य समस्या दुश्चिंतार कारण हो पारे। आग को आसुवा आनुष्ठानिक काम सकाश विशेष भाव में धान दौड़ करने को पड़ बंधु फेर बाट को चाह चाह प्रतीक्षा जनित जंत्रणा तीव्र होबार पूर्व सूचना पाइबे। व्यवसाय परिवहन वाणिज्य क्षेत्र में समस्या दूर हो पारे।
मिथुन राशि आज परिस्थितिरे पड़ी इच्छा नथिले सुधा हठात दूरकु छिपाकु पड़िबो। सहकर्मी मानक सहज सहज हेतु कर्मक्षेत्र असंपूर्ण काम को संपूर्ण करिपे। कहिबाकु इच्छा थिले मध्य संकोचपशतः बंधु निकट में मन कथा प्रकाश करिपारिपे नाहीं। माली मकदमार विचार विलंबित हेबारु मन फल रही नपारे। कर्कट राशि घर को आसुथिबा बंधुटी पुणी घर को लेउटी आसिबो, एणु परिवारर कोनोसी व्यक्ति मन में सरसता आकफली रहिबो नाहीं। विपत्तीय घटना किंबा बालिमकदमारे स्थिति अनुकूल होइपारे। सब कथा को हालुका भाबिले क्षतिरे पड़िबे। निर्माण परिवहन में किछि समस्या देखादेबार आशंका रहिछे। सिंह राशि कर्मक्षेत्र में संघर्षमय परिस्थितिर दृढ़ मुकाबला करी सफलता पाइबे। आगामी समय आवश्यकता पूरण सकाशे टंका जोगाड़ विभिन्न फंदीफिकर करते बंधु परामर्श में कौन नूतन कार्य हाथ देवा स्थिर करेंगे। शिल्प वाणिज्य परिवहन एजेन्सी सांबादिकतार प्रशंसित हेबे। कन्या राशि पारिवारिक समस्या लागि रहिबा कारणरु मानसिक स्थिति भल रहिबो नाही। प्रत्येक क्षेत्र में धीरस्थिर मननय काम कले समस्यार सरल समाधान हेबो। पूर्व कलह को केन्द्र करी निजर आत्मीय माने हठात शत्रुता करि पारंते। दीर्घ दिनरु रखि आसुथिबा पक्की अर्थ आदाय करि पारे आज ही सक्षम हेबे। तुला राशि सकाळ भाबुथिबा कामटी आज पूर्णांग करिबा कष्ट होइछिबो। विभिन्न असुविधा भितर गति करुथिबारु धीरे धीरे मानसिक अवस्था खराब दिग को गति करि पारे। मूल्यवान जिनस किणवा सकाशे हठात मोटाकर अर्थर आवश्यकता पड़िबो। जड़े बंधु उपस्थिति को केन्द्र करी झगड़ा लागिबार आशंका रहिछे। पिछा राशि परिवार फुल बुझाणा चकू अन्य मानक संध्या चक्षुरे देखि पारंते। घर मालिकों सहित घर भड़ा को केन्द्र कर वितर्क लागिपे। परिस्थिति में पड़ी जाणीशु सब कथार नीरव रहा बाध्य है। भल संपर्क व्यक्ति अन्यतर प्रभावित हो कथा कही नपे। धनुराशि स्वास्थ्य समस्या क्रमशः कमी कमी जीवर सामयिक आश्वस्ति लाभ करेंगे। बाध्य बाधकत नाही नक दूरजात्रा करने पड़पे। परिवार आवश्यकता को दृष्टि रखी अलंकार औषधपत्र और सौखीन द्रव्य क्रय करते। व्यवसाय परिवहन अर्थ संपर्क सभा समिति मन खुशी रहिबो। मकर राशि आनुष्ठानिक उत्सव निमंत प्रस्तुति आरंभ करेंगे। जड़े बंधु साजर काम गुड़िक सुविधा संपन्न हो। गवेषणा प्रकाशन प्रशासन क्रीड़ा चलचित्र कला साहित्य उन्नति करेंगे। टिके कथा रागिजाई जहाँ पड़ा ताही पकड़े फल समस्या आसपे। कुंभ राशि निज लोक मैंने जत प्रकार समस्या सृष्टि कले किसी क्षति करें बहुत दिन है भांगी पड़ता संपर्क पुणी जोड़ी पर पाला पढ़ा समस्या नहीं मन फाराक्रांत रहीपे। कौन से नूतन कर्मारंभ सकाशे पारिपारिक समर्थन कर्मक्षेत्र को त्वरान्वित कर। मीन राशि संतान विशृंखलित आचरण किसी अभाव असुविधा मन को फाराक्रांत कर। कर्मक्षेत्र में परोक्ष शत्रुता कारण सतर्क चलने सुधा बद भेतर को टाणी होते। चेष्टा करुथिबा कामरे ओ सफलतार आनंद अनुभव करिबे किंतु कठोर परिश्रम जनित सामान्य शारीरिक अस्वस्ति अनुभव करिबे।